नगीना का भैरोनाथ। श्रीदेवी और ऋषि कपूर की इस फिल्म में सपेरे का किरदार में दिखे अमरीश पुरी ने दर्शकों को हिला कर रख दिया था। इस किरदार को देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। हलचल का अंगार चंद। जी हां, प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म में अमरीश पुरी ने एक ऐसे कठोर पिता का किरदार निभाया था जो अपने बेटों को शादी ही नहीं करने देता है। तीसरा है नायक का बलराज चौहान। अनिल कपूर की फिल्म नायक में अमरीश पुरी ने एक ऐसे राजनेता का किरदार निभाया था जो देखने में तो जनता का सेवक है लेकिन असल में पक्का विलेन था। चौथी फिल्म थी करण अर्जुन और ठाकुर दुर्जन सिंह। सलमान खान और शाहरुख खान की जोड़ी की इस फिल्म ने कमाल कर दिया था लेकिन उनकी एक्टिंग अमरीश पुरी के किरदार ठाकुर दुर्जन सिंह के सामने फीकी रह गई थी। गदर का अशरफ अली। गदर फिल्म को आज तक कोई नहीं भूल पाया है और ना ही अशरफ अली को। अमरीश पुरी उर्फ अशरफ अली को देखकर तो सनी देओल ही नहीं दर्शकों का भी खून खौल गया था। दामिनी का इंद्रजीत चड्डा। सनी देओल की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली फिल्म में अमरीश पुरी ने इंद्रजीत चड्डा नाम के वकील का रोल निभाया था। इस फिल्म में दिखाई गई अमरीश पुरी की खतरनाक आंखें कोई नहीं भूल सकता। मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो। अनिल कपूर और श्रीदेवी की फिल्म मिस्टर इंडिया के मोगैम्बो का किरदार कोई सपने में भी नहीं भूल सकता है। इस फिल्म में अमरीश पुरी ने ऐसे खतरनाक विलेन का किरदार निभाया था जिसने लोगों की सांसें ही रोक दी थी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का चौधरी बलदेव सिंह। काजोल के इस फिल्म में अमरीश पुरी ने एक ऐसे कठोर और अनुशासन प्रिय पिता का किरदार निभाया था जो फिल्म में न सही लेकिन दर्शकों की निगाहों में जरूर किसी विलेन से कम नहीं था जो दो प्यार करने वालों को मिलने नहीं दे रहा था। वहीं उनकी एक और फिल्म थी फूल और कांटे का नागेश्वर। अजय देवगन की पहली फिल्म में अमरीश पुरी ने उनके पिता नागेश्वर का किरदार निभाया था जो फिल्म का खूंखार विलेन था। इसने अमरीश पुरी को एक नई पहचान दी थी।